अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिव्यूज मास्टर पीके। चेक करें जी, आज आप लोग की खिदमत में एक नए स्मार्टफोन की वीडियो के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे एप्पल आईफोन 14 प्लस के बारे में। तो 14 प्लस की डिमांड आप लोग की तरफ से मुझे काफी ज्यादा आई है। आप लोग की खिदमत में हाजिर एप्पल आईफोन 14 प्लस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईफोन 16 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। और 16 सीरीज के लॉन्च होने के बाद अब मार्केट में इस वक्त आईफोन 14 प्लस के क्या रेट्स, डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो में। मार्केट विजिट करेंगे और देखेंगे कि पीटी अप्रूव, नॉन पीटी अप्रूव और जेबी वाले स्पेशली आईफोन 14 प्लस मार्केट में किस रेट पे सेल आउट हो रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक आप लोगों ने जरूर देखना। तो भाई वो पेशे खिदमत है स्पेशली आप लोग के लिए एप्पल आईफोन 14 प्लस और वो भी व्हाइट कलर में। तो आईफोन 14 प्लस के लिए मुझे काफ़ी हैवी रिक्वेस्ट आई है, काफ़ी डिमांड आई है आप लोग के लिए। तो मार्केट विजिट किया और आईफोन 14 प्लस के क्या रेट्स देखने को मिल रहे हैं वो आप लोग के सामने हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि आईफोन 14 प्लस में हमारे पास तीन स्टोरेज मॉडल आते हैं, 128 GB, 256 GB और तीसरा 512 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ। मार्केट में हमारे पास कुछ LLA मॉडल है, यानी कि डुअल फिजिकल मॉडल भी हैं। इसके साथ साथ डुअल eSIM मॉडल भी देखने को मिलते हैं और सिंगल फिजिकल प्लस eSIM वाले मॉडल भी देखने को मिलते हैं। तो हर रेट में हमें वैरायटी देखने को मिल रही है आईफोन 14 प्लस में। तो आईफोन 14 प्लस आप लोगों को सबसे पहले पीटी अप्रूव, नॉन पीटी अप्रूव और जेबी वाली की कंप्लीट प्राइसिंग के वाले से गाइड करता चलूं। तो भाई वो मार्केट सर्वे करने पर मुझे जो अंदाजा हुआ कि आईफोन 14 प्लस में हमारे पास पीटी अप्रूव का कोई खास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, जेबी वाला और नॉन पीटी अप्रूव आईफोन 14 प्लस मार्केट में हमें काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। तो जेबी वाला आईफोन 14 प्लस यूज में इस वक्त अब आप लोगों को मार्केट में 1,20,000 से लेकर 1,30,000 की वेरिएशन में देखने को मिलेगा और कहीं जगह पर बहुत सस्ता भी हुआ तो 1,15,000 तक की वैरायटी में देखने को मिलेगा। डिपेंड कर रहा होगा कि कौन सा स्टोरेज मॉडल पिक करें आप लोग, इस डिवाइस की बैटरी हेल्थ कैसी है और कंडीशन कैसी है और इसके साथ साथ इस डिवाइस का कलर कौन सा है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं आईफोन की प्राइस को ऊपर भी लेके जाने में और डाउन भी करने में। तो आईफोन 14 प्लस जेबी वाले के लिए इन एवरेज आप लोग के पास कम से कम 1,20,000 और 25,000 का बजट होना चाहिए। अब इसी वीडियो को मजीद कंटिन्यू करने से पहले एक पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करता चलूं। अगर तो आप लोग एक ऑनलाइन वर्किंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है और आप लोग एक अच्छा ट्रेडिंग ग्रुप ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप लोगों को मेरे ट्रेडिंग ग्रुप में मिल जाएंगी। आप लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड टॉप रेटेड सिग्नल मेरे ग्रुप में मिलेंगे, आप लोगों को प्रॉपर गाइड भी किया जा रहा है। और अगर आप लोग मेरे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो भाई हम लोगों ने जेबी वाले आईफोन 14 प्लस की प्राइसिंग के वाले से बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन पीटी अप्रूव्ड आईफोन 14 प्लस मार्केट में किस रेट पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो नॉन पीटी अप्रूव्ड आप लोगों को इस वक्त 1,50,000, 55,000, 1,60,000 और बहुत भी हद हुआ मैक्सिमम 1,65,000 की प्राइस टैग की रेंज में देखने को मिलेगा। डिपेंड कर रहा होगा कि भाइयों आप लोग कलर कौन सा पिक कर रहे हो, इस डिवाइस की बैटरी हेल्थ कैसी है। तो इन एवरेज नॉन पीटी अप्रूव्ड आईफोन 14 प्लस के लिए आप लोग का बजट कम से कम 1,50,000 और 1,60,000 होना चाहिए। और अगर सिम टाइम कंप्लीट इसका अवेलेबल हुआ तो ये डिवाइस आप लोग को 1,70,000 तक भी देखने को मिल सकती है। अब कई जगह पर आईफोन 14 प्लस आप लोग को पीटी अप्रूव्ड भी मिलेगा लाइक कस्टमर वगैरह के पास, लेकिन शॉप पर ऐसा स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। तो पीटी अप्रूव्ड आईफोन 14 प्लस आप लोग को 2,50,000 का भी मिलेगा, 2,60,000 और 70,000 तक की भी रेंज में देखने को मिलेगा। और अगर तो आप लोग को ये वाला फोन 512 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ पीटी अप्रूव अगर कहीं मिला भी तो आप लोग को 2,90,000 तक भी देखने को मिलेगा। आईफोन 14 प्लस जो है वो इसकी बैटरी की वजह से सबसे ज्यादा सेल आउट होता है। तो आईफोन 14 प्लस इन एवरेज पीटी अप्रूव के लिए आप लोग के पास कम से कम 2,50,000 का बजट होना चाहिए। तो 2024 के लास्ट में अब इस वक्त आईफोन 14 प्लस की प्राइस में हमें कमी देखने को मिल रही है क्योंकि आईफोन 16 लॉन्च हो चुका है। मार्केट में आप लोग को आईफोन 16 अब काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, इस वजह से जितने भी सारे पुराने आईफोन उन सबके रेट्स में कमी हमें देखने को मिल रही है। तो आईफोन 14 प्लस एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोग इस डिवाइस को पीटी अप्रूव पिक करते हैं तो 2,50,000 के रेट की रेंज में ये फोन आप लोग को एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रहा है। अब चॉइस आप लोग की है कि आप लोग आईफोन 14 प्लस की तरफ जाते हैं या नहीं। तो भाई उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, जिसमें हमने डिटेल में बात की आईफोन 14 प्लस के टॉपिक पे और मार्केट भी जाकर देखा कि पीटी अप्रूव, नॉन पीटी अप्रूव और जेबी वाले आईफोन 14 प्लस के क्या रेट्स देखने को मिल रहे हैं। 2024 में इस वक्त आईफोन 14 प्लस को परचेज करना चाहिए, यानी इस वीडियो से आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा। और क्या 16 के लॉन्च होने के बाद आईफोन 14 प्लस के रेट्स में हमें कमी देखने को मिल रही है, यानी इस वीडियो से आप लोगों को अंदाजा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने उसको याद दीजिए, रॉम याद है अपने पर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।